गुड मॉर्निंग, इट्स मी प्रीति कौशिकर। आज हम स्टडी करने वाले हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, वेरिफिकेशन टेक्निक के अंदर क्या क्या चीज़ें आते हैं, वो आज हमने स्टडी करना। देखो वेरिफिकेशन क्या है, वेरिफिकेशन एक टेक्निक है। किस चीज़ की टेक्निक है? ऑडिटिंग की टेक्निक है। यानी जब भी ऑडिटर आएगा तो वेरिफिकेशन की टेक्निक को जब यूज़ करेगा तो कैसे वेरीफाई करेगा वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को, यानी कि क्या चीज़ें उसको देखनी होती है, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो वेरिफिकेशन करता है। कौन? ऑडिटर। तो कहते हैं कि वेरिफिकेशन जब भी आप कर रहे हो ना, तो ये बेसिक चीज़ें होती है कि आप चेक करोगे कि ऑनरशिप किसकी है, यानी जो एसेट्स हैं उनमें किसकी ऑनरशिप है, क्या जो हमारे जो भी एसेट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट है उनके अंदर हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ऑनरशिप है, यानी हम ही ओनर हैं उन एसेट्स के या फिर नहीं है, ऑनरशिप किसकी है। नेक्स्ट इज टाइटल। टाइटल को चेक करेंगे, एग्जिस्टेंस चेक करेंगे कि फिजिकल एग्जिस्टेंस है या फिर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पोजिशन चेक करेंगे, यानी कि उस मशीनरी को हमारे पास वो है भी है नहीं है, पोजीशन किसका है, ठीक है। जो भी कोई एसेट है, कोई चार्ज तो नहीं है एसेट्स पे, अगर चार्ज है तो कौन सा चार्ज है, फिक्स चार्ज है, फ्लोटिंग चार्ज है, उसकी पूरी मेंशन कर रखा है बैलेंस शीट के अंदर या फिर नहीं कर रखा है, यानी कि पूरी डिटेल आपने डिस्क्रिप्शन में गिवन की है या फिर नहीं की है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं वेरिफिकेशन क्या होता है। वेरिफिकेशन इज अ टेक्निक ऑफ ऑडिटिंग। वेरिफिकेशन टेक्निक है ऑडिटिंग की, यानी ऑडिटिंग करते टाइम जिस टेक्निक की हमें जरूरत पड़ती है, बहुत सारी टेक्निक होती है, वाउचिंग भी एक टेक्निक है, तो वेरिफिकेशन भी एक टेक्निक है जिसके अंदर हमें क्या करना होता है, वाउचिंग से थोड़ा आगे बढ़ के देखना पड़ता है। वाउचिंग के अंदर क्या होता है, वाउचिंग के अंदर इतना होता है कि वाउचर के साथ हम ट्रांजेक्शन को मैच करके देख रहे होते हैं कि जो हमारे पास वाउचर एक स्लिप है, जो भी चीज़ हमने परचेज किया, जो भी आइटम्स हमने परचेज किया उसके साथ हम एक एक चीज़ को मैच करके देख रहे होते हैं, ठीक है। अमाउंट चेक करते हैं, एक्यूरेसी चेक करते हैं, रेलिवेंस से चेक करते हैं, फिर देखते हैं हम कि क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है, रिलेटेड टेस्ट भी चेक करते हैं। लेकिन जब बात आती है वेरिफिकेशन की, तो वेरिफिकेशन में ये सारी बातें होने के बावजूद हम ये भी चेक करते हैं कि ओनर कौन है, एग्जिस्टेंस में है या नहीं है जिस एसेट्स के बारे में आप बात कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है जैसे आपने मशीनरी को परचेज किया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आए, उसी के बाद क्या हुआ, मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई और आपने इस बात को ही कहीं मेंशन नहीं कि आप दिखा रहे हो वाउचर के साथ उसको मैच करो कि देखो हमने परचेज कर रखी है मशीनरी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ, यानी कि आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया हो कि आप उसको बेचना चाहते हो, आगे फर्दर आपने सोल्ड करने के लिए उसको एग्रीमेंट कर लिया हो, ठीक है, आप उसे बेचना चाहते हो, ऐसा तो कहीं नहीं किया है आपने, ये बात देखेंगे आप। फिर हम यानी कि पूरे अच्छे तरीके से चेकिंग करेंगे कि क्या उस एसेट पे चार्ज तो नहीं है। तो ये जो सारी बातें आते हैं ये हमारी वेरिफिकेशन की टेक्निक के अंदर आते हैं। देखो ऑडिटर सर्टिफाई ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, सच ऑडिटर को सर्टिफाई करना पड़ेगा जिस दिन बैलेंस शीट बन रही है उस डेट को, यानी बैलेंस शीट जो प्रिपेयर हो रखी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑडिटर आया तो उसने देखा कि सारे अकाउंट्स प्रिपेयर हो रखे हैं, बैलेंस शीट जिस डेट को प्रिपेयर हुई उस डेट तक वो देखेगा। सच एसेट्स वर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं कि जो एसेट्स प्रेजेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके राइट्स एंड ओनरशिप ऑफ दीज एसेट्स वाज विद द ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं कि जो राइट्स है उन एसेट्स के ऊपर, जो भी ओनरशिप है क्या वो एसेट्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की है या नहीं, यानी कि क्या ऑर्गेनाइजेशन वालों का, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है मैनेजर्स हैं हमारे, ठीक है, जो भी उनको होल्ड कर रहे हैं, जो ओनर है, क्या उन्हीं की ओनरशिप है उन एसेट्स पे, क्या उन्हीं के राइट्स हैं, ये बात चेक करने के लिए हमारे आते हैं वेरिफिकेशन। नेक्स्ट द एसेट्स वर एक्वायर्ड आफ्टर ड्यू अथोराइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस, कहते हैं कि एसेट जब परचेज किया गया है उसको प्रॉपर अथॉरिटी मिलने के बाद ही परचेज किया गया था या पहले ही परचेज कर लिया गया, प्रॉपर अथोराइजेशन मिलने के बाद ही आपने परचेज किया या फिर आप पहले ही उठा के ले आए हो, ठीक है, तो प्रॉपर अथॉरिटी के साइन होने चाहिए। नेक्स्ट में कहते हैं नो चार्ज एग्जिस्ट ऑन द एसेट्स, कहते हैं एसेट्स के ऊपर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, इस बात को हम देखेंगे। इफ एनी चार्ज डज एग्जिस्ट, अगर कोई चार्ज एग्जिस्ट करता है द सेम इज मेंशन इन द बैलेंस शीट, तो उसको सेम को मेंशन होना चाहिए बैलेंस शीट के अंदर। नेक्स्ट कहते हैं कि एसेट्स हैव बीन करेक्टली वैल्यूड कीपिंग इन टू माइंड देयर फिजिकल कंडीशन, कहते हैं कि अब वैल्यूएशन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो वैल्यूएशन भी करेंगे, यानी कि जो एसेट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट है उस एसेट की वैल्यू क्या है, प्रॉपर वैल्यूएशन हम चेक करेंगे एक्सपर्ट्स के थ्रू, ठीक है, हम बता कर आएंगे कि हमारे जो ये मशीनरी है, जो भी प्लांट है, इसके एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, ठीक है, यानी डेप्रिसिएशन लगने के बाद सब कुछ जो भी है, कुछ भी इंस्टॉलमेंट वगैरह हुई है, ठीक है, कोई एक्सपेंसेस बीच में लगाना पड़ गया, रिपेयर्स वगैरह का, यानी टोटल अभी इसकी वैल्यू बचती कितनी है, ठीक है, तो हम प्रॉपर वैल्यूएशन करेंगे, वो देखेंगे हम बाद में कि हम रिकॉर्ड किस पे करेंगे, मार्केट वैल्यू पे करेंगे हम, ठीक है, या फिर हम किस कौन सी वैल्यू पे हमने रिकॉर्ड करना है वो हम अपने देखेंगे कि बुक वैल्यू क्या है हमारी, मार्केट में वैल्यू क्या है, इन सारी चीज़ों को भी हम कंसिडर करेंगे वैल्यूएशन के टाइम पे।
वैल्यूएशन किसके अंदर आ गया? वेरिफिकेशन के अंदर हम वैल्यूएशन भी कराते हैं, ठीक है। वैल्यूएशन का एक अच्छे से टॉपिक हमारा आने वाला है, उसको हम आगे स्टडी करेंगे। अभी आप देखो कि वैल्यू ऑफ एसेट्स मेंशन इन द बैलेंस शीट आर करेक्ट, कहता है कि जो वैल्यू आपने मेंशन कर दी कि 5 लाख की मशीनरी है वो करेक्ट होनी चाहिए, उसमें से आपने जितना डेप्रिसिएशन लेस किया उतना ही एक्चुअल में होना चाहिए, यानी कि जो फिगर्स आप रिपोर्ट कर रहे हो वो करेक्ट होनी चाहिए। Next are the old liabilities are shown at their amounts and old liabilities have been included. कहते हैं जितनी भी liabilities हैं वो सारी की सारी include होनी चाहिए, जिन भी liabilities को आप record कर रहे हो वो same amount से होनी चाहिए, यानी कि जितनी की liability है आप उतने ही पैसे से उन liability को record करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि liability कितनी की और आप दिखा कितने की रहे हो, ठीक है। यानी अगर आप secret reserve भी create कर रहे हो तो भी तो कोई proper authority होगी ना जिसने secret reserve create किया, तो उसे पता होना चाहिए। आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना कि लाइबिलिटीज की एग्जैक्ट अमाउंट के साथ ऊपर नीचे कर दिया। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को प्रॉपरली हम चेक करेंगे, उनकी वैल्यूएशन देखेंगे, एसेट्स को देखेंगे हम कि क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी हम अच्छे से प्रॉपर वैल्यूएशन करेंगे, एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, टाइटल देखेंगे, पोजिशन देखेंगे एंड चार्ज भी देखेंगे कि अगर कोई चार्ज तो नहीं है, अगर चार्ज एग्जिस्ट करता है तो उसकी पूरी डिटेल गिवन है या नहीं गिवन है, ठीक है। तो वाउचिंग के अंदर क्या होता है, वाउचिंग के अंदर हम एक्यूरेसी रेलिवेंसी चेक करते हैं, ठीक है, रिलेटेडनेस चेक करते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन के अंदर उससे भी एक फर्दर आगे स्टेप बढ़ जाता है जिसके अंदर हम फिजिकली वेरीफाई करते हैं कि क्या वो एसेट्स आज भी प्रेजेंट है, जो बैलेंस शीट प्रिपेयर हुई है उस दिन भी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर था या फिर डिस्ट्रॉय हो गया था, या कुछ उसके अंदर कुछ भी कमियां आई हैं, या हमने उसको बेचने का एग्रीमेंट साइन कर लिया, कुछ चार्ज तो नहीं लग गया। तो इन सारी चीजों को हम करते हैं वेरीफाई। तो जिस टेक्निक के अंदर ये किया जाता है, जिस टेक्निक के थ्रू ऑडिटर ये सारा काम करता है, उस टेक्निक को हम कहते हैं वेरिफिकेशन। आज हमने स्टडी किया मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। होप यू लाइक इट, थैंक यू।